तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा कोजीविट अल्ट्रा क्रीम के बारे में। कोजीविट अल्ट्रा क्रीम के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, जो आपको स्किन पे दिख रही है। देखो गाइस, जिसने इस क्रीम का यूज करा है उसकी स्किन पर कितना अच्छा रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, रिजल्ट क्यों नहीं मिला मेरे को कमेंट्स करना, ठीक है गाइस। ये आज की वीडियो में इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कोजीविट क्रीम सच में हमारी स्किन को गोरा बनाती भी है या नहीं बनाती, या फिर ओनली फॉर वीडियो में ही बताते हैं कि हाँ ये हमारी स्किन को इतना गोरा बनाती है। हम इसको कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी स्किन पर हम इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, या हम यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, स्किन को यह रेडनेस बनाता है या नहीं बनाता, इस क्रीम के बारे में डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए सेफ है या नहीं है। तो आज की वीडियो में कई ऐसे डाउट है जो मैं वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर देना, जिसमें मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे और हर एक वीडियो में मैं हर एक क्रीम के बारे में अच्छी खासी जानकारी देता रहता हूं, या फिर हर एक स्किन के रिलेटेड। अगर आपको पता है हमारे बॉडी में स्किन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन रखना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिस प्रकार हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा जमता हम कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है। तो देखो इस कोजीविट अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, स्किन पे मेलेज्मा, स्किन को अगर फेयर करने की बात हो, या फिर हमारी स्किन का कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो, उसके अंदर यूज करने वाली एक कोजीविट अल्ट्रा क्रीम हमारे स्किन के लिए काफी तक अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस क्या होता है, हम जब कोई क्रीम लेके आते तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज किए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज किए गए वो हमारे स्किन के ऊपर रिजल्ट देगा या नहीं देगा। देखो गाइस, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि बहुत इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जैसे इसके अंदर नियोसिनमाइड यूज किए गए हैं जो हमारी स्किन के झाइयों को हटाने के साथ साथ हमारी स्किन का कई तरह के टेक्सचर को हटाने में काफी तक हेल्प करता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया गया, ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन के ओपन पोर्स को भरने के साथ साथ हमारी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है। कोजिक एसिड यूज किया, कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन को लाइटनिंग बनाता है, मेलानिसाइड को कम करके हमारी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। इसके अंदर अल्फा आर्बुटिन यूज किया गया जो कि हमारे स्किन के एजेंट के रूप में कार्य करता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये हमारी स्किन को बहुत फायदेमंद पहुंचाता है हमारी स्किन पे। इसके अंदर मलबरी एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है और गाइस इसके अंदर एलोटन यूज किया गया है, ठीक है गाइस, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट इसके अंदर यूज किया गया, इसके अंदर कई अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं इस जेल के अंदर, जो कि जेल है ना गाइस, ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा फायदेमंद पहुंचाती है, ये वीडियो में बताया जाता है। लेकिन गाइस आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो मेरी ऑडियंस को बिल्कुल मैं धोखे में नहीं रखता, हर एक चीज है जो क्लियर हमेशा मैं वीडियो में करता हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि हमारी स्किन पे ये सूट करेगी नहीं करेगी। सबसे पहले हम इसको कौन सी स्किन पे, जिस पे यूज करते तो हमारी स्किन पे रिजल्ट कभी बाहर नहीं देता। देखो गाइस क्या होता है, हम कभी इसको ऑयली स्किन पे यूज करते तो हमारे स्किन पे रिजल्ट नहीं देता। अगर आपकी स्किन पे ड्राई स्किन है, या छोटे छोटे पिंपल्स आपकी स्किन पे है, या फिर आपकी स्किन पे ज्यादा पिंपल्स है, या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या फिर आपकी स्किन पे कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं, स्किन बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, ठीक है, तो उन स्किन पे हम इसको यूज करते हैं तो हमारी स्किन पे ये रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। आपके पुराने से पुराने दाग धब्बे हैं, या फिर पुराने से पुराने कई तरह के टेक्चर या फिर ऐसे निशान है, उनको हटाने में हेल्प तो करती है, लेकिन गाइस इसका रिजल्ट थोड़ा टाइम बाद मिलता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको कौन कौन सी प्रॉब्लम पे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि स्किन को फेयर बनाने में, हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को हटाने में, हमारी स्किन को मेलेज्मा उसको हटाने में, हमारी स्किन के जो धब्बे हैं उनको हटाने में काफी तक हेल्प करता है। लेकिन गाइस इस क्रीम का एक ही मकसद है कि ये एक ऐसी जेल है जिसका रिजल्ट थोड़ा धीमा आपकी स्किन पे मिलने वाला है, क्योंकि गाइस इसके अंदर एक ऐसे केमिकल यूज नहीं किया गया है जो हमारी स्किन पे इतना ज्यादा रिजल्ट देगा। बहुत जल्दी रिजल्ट ये बिल्कुल नहीं दिखाने वाली है, आपकी स्किन पे रिजल्ट दिखाएगी लेकिन आपको रिजल्ट दिखाने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम बाद ये हमारी स्किन पे रिजल्ट देगी और बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगी, ठीक है गाइस। देखो गाइस आपको काफी वीडियो में बताया गया था इतना फेयर बनाता है, 3 दिन में बनाता है, ये सब बिल्कुल ये क्रीम नहीं करती, ये जेल नहीं करती, ये 3 या 4 दिन में बिल्कुल गोरा नहीं बनाती, इसको रिजल्ट दिखाने में कम से कम 15 दिन आपकी स्किन पे लगते हैं, ठीक है ना गाइस। और एक बात सीधी सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका अप्लाई करने का सबसे साधारण सा तरीका एक ही है, इसको एक नाइट में सोते यूज करने वाली क्रीम है जिसको हम नाइट में सोते समय यूज करोगे तो स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट देगी और हमारी स्किन पर अच्छा खासा फायदेमंद भी पहुंचाएगी, ठीक है ना। सुबह उठने के बाद हमारे को अच्छा खासा सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करती है स्किन को गोरा बनाने के लिए, ठीक है, और हमारी स्किन का यूवी किरणों से बचाने में काफी तक हेल्प करती है सनस्क्रीन। जो गाइस जो इसके अंदर यूज किए गए जो इंग्रेडिएंट्स है ना गाइस, इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में यूज किए गए हैं, जो हमारे जैसे इसके अंदर नियोसिनमाइड ग्लाइकोलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में इसके अंदर यूज किए गए हैं, कोजिक एसिड इसके अंदर 2% 5 में यूज किए गए, बहुत अच्छी मात्रा में इनका यूज किया गया है। लेकिन गाइस ये एक ऐसी क्रीम है जिसकी जो प्राइस है
बहुत ज्यादा है, ठीक है। और गाइस अगर मैं इसको यूज करने के, अगर डॉक्टर इस क्रीम के बारे में क्या बोलते हैं आपको मैं सजेस्ट करने के लिए अगर मैं बताऊं, तो देखा इस डॉक्टर इसको एक ही बोलते हैं कि अगर हमारी स्किन पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तभी इस क्रीम का यूज करना चाहिए, बाकी इस क्रीम को यूज नहीं करना चाहिए। हमारे को कौन से भी स्किन पे क्रीम यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना स्किन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि गाइस उनको पता होता है हमारी स्किन किस टाइप की, हमारी स्किन अभी किस टाइप की है, हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। जो गाइस इस क्रीम के ऊपर तो लिख रखा है आप अप्लाई डेली इन द मॉर्निंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस इसको हम मॉर्निंग भी यूज करते तो हमारी स्किन, आपको पता है हम मॉर्निंग में कहीं ना कहीं काम पड़ता है तो हमारी स्किन पे ज्यादा टाइम तो लगा नहीं सकते, लेकिन इसमें नाइट में आप नाइट में भी इस क्रीम का यूज कर सकते हो। नाइट में अच्छा खासा आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी में इस क्रीम का लेना, मतलब जेल का लेना, फिर आपको इसका यूज करना, ठीक है गाइस। जो गाइस आज की वीडियो मैंने सब कुछ तो वैसे क्लियर कर दिया है, अगर फिर भी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और गाइस इसी के साथ आपको मैं एक फेस पैक के बारे में बात करता हूँ जो आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करेगा, स्किन को मेंटेन रखने के लिए, स्किन को अच्छे से ग्लो बनाने के लिए। अगर इस क्रीम आप नाइट में सोते समय इस क्रीम का यूज करते हो, अच्छे से डॉक्टर की सलाह लेके इस क्रीम का आप परचेस करते हो, तो आपको एक ऐसी फेस पैक, मतलब एक ऐसी टिप्स बताने वाला जो दिन में आप अगर अप्लाई करते हो तो ये क्रीम आपकी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट देने के साथ साथ वो जो टिप्स है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी ज्यादा हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, देखो गाइस अगर जिसकी स्किन पे अगर पिंपल्स है तो वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल साधारण सा तरीका, कुछ नहीं करना, आपको एक लेमन ले लेना, लेमन लेने के बाद उसका जो रस है उसको निकाल लेना, लेकिन गाइस जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स है ना ओनली और वहाँ यूज करना है, ठीक है। वहाँ यूज करने के बाद आपके पिंपल्स बिल्कुल ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, 3-4 दिन में धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन गाइस अगर आपकी स्किन पर सेंसिटिव और स्किन पर आप स्टेरॉइड यूज करते हो, कोई केमिकल यूज करते हो तो मत यूज करना, ठीक है। पूरे फेस पे इसको, इस लेमन को यूज मत करना, ओनली फॉर पिंपल्स, पिंपल्स पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल कम आपको ले लेना और वहां पर भी पिंपल्स है जहां पर इसको लगा लेना, ठीक है ना गाइस। आपको देखो आपको मैं बता, पिंपल्स खत्म होने के बाद उसका अगर दाग छूटते हैं तो ये कोजीविक अल्ट्रा जेल आपकी स्किन के जो धब्बे हैं उनको हटाने में काफी तक हेल्प करेगी। उसके बाद आपको क्या करना, पिंपल्स हटने के बाद अगर आपकी स्किन पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्किन, आपको क्या करना जो टमाटर होता है, ठीक है, टमाटर आपको कुछ नहीं करना, आधा काट लेना और आपकी स्किन पर मतलब हफ्ते में 3-4 बार आपको क्या करना है, जो टमाटर जो होता है ना गाइस उसको फेस पर लगाना पूरी और सुखा लेना। ये एक ऐसी टिप्स है गाइस, ये आपको, ये एक फ्री की टिप्स है गाइस। देखो गाइस आपको मैं एक ऐसी फ्री की टिप देने वाला हूँ जो दे रहा हूँ जो कि बहुत अच्छी रिजल्ट हमारी स्किन पर देती है। आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई करते हो आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्प होती है, आपकी स्किन का कई तरह के, स्किन को प्रोटीन मिलता है, आपकी स्किन का कई तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, आपकी स्किन का कई तरह की ऐसे प्रॉब्लम उसको हटाने में काफी तक हेल्प करता है। जो टमाटर होता ना गाइस ये आपकी स्किन के झाइयों को भी हटाने में काफी तक हेल्प करता है, स्किन बिल्कुल ग्लो और जमा दिखती है। ये गर्मी में अच्छी खासी टिप्स है जो आपको मैंने एंड में बताई है। तो ठीक है गाइस मैंने सब कुछ आज के वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। जो टमाटर के बारे में मैंने बताया वो एक ऐसा नुस्खा है जो आपकी स्किन को अच्छे तरह से इतना अच्छा ग्लो देगा जो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा, ठीक है गाइस। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था।